हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आइए इस वीडियो में एक छोटे सी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डिस्कस नहीं एक्चुअली आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि दोस्तों आपका जो स्कॉलरशिप था वो फाइनली डिस्ट्रिक्ट से भी वेरीफाई हो, होने लगा है और डिस्ट्रिक्ट से वेरीफिकेशन होने का अपडेट आपका स्टेटस शो करने लगा है तेरह तारीख यानी कि कल के डेट में जिन बच्चों का स्टेटस अपडेट हुआ है वो भी शो होने लगा है और कल बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट हुआ है तो दोस्तों जिनका रिजेक्ट हो चुका है उसका तो अब कोई चांस नहीं है लेकिन जिसका भी पेंडिंग दिखा रहा है या जिसका नॉट मैच या मिस मैच या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दिखा रहा है उनका ऑटोमेटिक हो जाएगा उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है मैं आपको कुछ स्टेटस दिखाऊँ और उसके बाद दिखाऊँ कि जन सुनवाई पर कंप्लेन करने के बाद क्या वहाँ से जवाब आया था ज़रा देख लीजिए पहले तो ये जो स्टेटस आप देख रहे हैं आठ मार्च को इनका वेरीफाई हुआ था अभी दिख रहा है वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी यानी कि डी की तरफ से ये वेरीफाई हो चुका है और ये जो स्टेटस था दोस्तों ये स्टेटस इससे पहले यहाँ पर इनलमेंट इनकम सर्टिफिकेट मार्क्स मिसमैच दिखा रहा था तो यहाँ पे जो मिसमैच का जो प्रॉब्लम था ना इनरोलमेंट का वो यहाँ पे दिखा रहा था जो कि आठ तारीख को क्या हो चुका है वेरीफाई हो चुका है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के द्वारा यहाँ से वेरीफाई हो चुका है और अगर आपका ये स्टेटस है तो नो no डाउट दोस्तों फिर इसमें कुछ सोचना ही नहीं है जिनका भी ये स्टेटस है उसको तो सोचना नहीं है उसको इंतज़ार करना है इकतीस मार्च तक इकतीस मार्च तक पैसे आपके आ जाएंगे दूसरा जो मैं स्टेटस दिखा रहा हूँ दोस्तों ये खुद किसी और का नहीं ये मेरा ही है तेरह मार्च को यानी कि तेरह मार्च को भी स्टेटस अपडेट हुआ है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी और तेरह तारीख को यहाँ पे वेरीफाई हुआ है और ये जो स्टेटस था दोस्तों ये स्टेटस जो था वो पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी था जो आज जाके यहाँ पर तेरह तारीख को क्या हो चुका है वेरीफाई हो चुका है मैं आपको जो खास चीज़ दिखाने वाला था वो ये दिखाने वाला था देखिए हुआ क्या था कि सब सारे बच्चों का वेरीफाई हो रहा था तो मेरा नहीं हो रहा था तो मैंने क्या किया कम्प्लेन किया कम्प्लेन कहाँ पे किया था जन सुनवाई पे कम्प्लेन किया था वहाँ से मुझे क्या जवाब आया देखिए जवाब में कुछ खास नहीं था मगर देखिए समझिए क्या लिखा था योज योजना के अंतर्गत छात्र जो भी हैं द्वारा किए गए आवेदन को संबंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन अग्रसित किए जाने के उपरान्त मतलब इंस्टीट्यूट ऑनलाइन जो अग्रसित करता है फॉरवर्ड करता है उसके बाद एन द्वारा आवेदनों की कूटनी की गई मतलब छाटा गया उसको चेक किया गया जो आवेदन करेक्ट पाए गए हैं उनको जनपद स्तर से अग्रसित कर दिया गया है तथा जो आवेदन किन्हीं कारणवश सस्पेक्ट में चला गया है उनका सस्पेक्ट से संबंधित साक्ष्य अभिलेख संबंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा प्राप्त होने के उपरांत जनपद स्तर से, से नियमानुसार अग्रसित या निरस्त किया गया है अब यहाँ से देखिए क्या हुआ है जिन भी बच्चों का सस्पेक्ट था ना तो कॉलेज में एक सस्पेक्ट डेटा आता है ठीक है जो प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है फिर आप उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे कॉलेज दोबारा भेजेगा तो वहाँ से वेरीफाई हो चुक, हो जाएगा जैसे आप इसको देख रहे हैं जो पहले यहाँ पे मिसमैच दिखा रहा था दोस्त का है उसका भी मिसमैच दिखा रहा था तो उसका चूंकि उसने और उसकी बहन दोनों ने इनकम सर्टिफिकेट एक ही डाल दिया था तो इसलिए इन डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट था ठीक है तो फिर उसने लगाया कि नहीं ये मेरा सही है वो मेरी बहन का है कॉलेज ने फॉरवर्ड किया फिर वहाँ से वेरीफाई हो गया तो मेन यहाँ पे दोस्तों कॉलेज का काम है और अगर आप समाज कल्याण जाते हैं तो आपको हाथों हाथ डायरेक्ट वहाँ से वो लोग कर देंगे अगर आप जो प्रॉब्लम है तो वो लेके जाते हैं तो वहाँ से हो जाएगा ठीक है अब आगे देखिए क्या लिखा है कॉलेज अगर भेजता है आपका डेटा तो वहाँ से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा योजना अंतर्गत पात्र आवेदकों को नियमानुसार बजट की उपलब्धता के आधार पर छावित छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अलग अलग एन द्वारा पी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में अंतरित किया जाने का कार्रवाई 31 मार्च तक जी हाँ देख लीजिए जिस बात को मैं कह रहा था वो यहाँ पे लिखा है ये दोस्तों जन सुनवाई की तरफ से जवाब आया था ठीक है देखिए लाभार्थी के बैंक खातों में आंतरिक अंतरित किए जाने की कार्रवाई 31 मार्च तक की जाएगी आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन स्वयं देख सकते हैं मतलब यहाँ पे जो आपका डेट निकल के आ रहा है कि आपकी स्कॉलरशिप कब आएगी 31 मार्च तक यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों वो 31 मार्च से पहले मुझे लगता है बीस वस्तों होली के आसपास कई किस्तें आ जाएंगी इसमें भी आप देखेंगे स्कॉलरशिप कई बार पिछली बार क्या अनुभव के आधार पर किस्तों में आया है जिसका पहले फॉरवर्ड होता है उसका आ जाता है तो किस्तों में आया तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपका अगर आपका ये स्टेटस दिखा रहा है वेरीफाइड फिर तो नो no डाउट कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आपका ये वेरीफाइड दिखा रहा है फिर तो बस पैसा आने का इंतज़ार करना है पेंडिंग दिखा रहा है फिर भी जब अभी ये लोग करेंगे तो हो जाएगा बाकी जिसका रिजेक्ट हो चुका है उसका अब कोई चांस नहीं है जिसका रिजेक्ट लिख के आ जाएगा फिर तो कोई चांस नहीं अगर किसका कोई मिसमैच डेटा दिखा रहा है तो कॉलेज की तरफ से आप एक बार मिल लेंगे देखिए डेट बचाओ तो फॉरवर्ड करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का फॉरवर्ड हो चुका होगा नहीं तो हो जाएगा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अभी बहुत सारे बच्चों का फॉरवर्ड होने लगा है लास्ट जैसे कि मैंने दिखाया कि तेरह तारीख को भी फॉरवर्ड हुआ है आई होप कि आपका भी फॉरवर्ड हो चुका हो चलिए एक छोटी सी सूचना दी घबराना नहीं है जिसका मिसमैच था उसका भी फॉरवर्ड हो रहा है उसके भी पैसे आएंगे अब कब आएगा ये कोई नहीं जानता हाँ अभी तक एक भी किस्त नहीं आई है ऐसी कोई सूचना नहीं मिलेगी कोई एक भी किस्त आई है तो अभी पैसे नहीं आए हैं सूचना के अनुसार जैसे ही पैसे आते हैं आपको अपडेट किया जाएगा दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा जुड़े रहिए चैनल से परेशान मत होइए घबराइए मत अगर आपका नहीं हुआ है तो हो जाएगा अगर कोई इरर दिखा रहा है तो एक बार आपने कॉलेज से ज़रूर बात करिएगा अगर समय मिले तो प्लीज़ एक बार समाज कल्याण चले जाइएगा जो भी आप विभाग हो अल्पसंख्यक विभाग हो या फिर जो भी आपका विभाग हो वहाँ पर आप समाज कल्याण जाकर एक एप्लीकेशन लिख के देंगे अपना तो आपका वहाँ से सही वो लोग कर देंगे चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए घबराइए मत परेशान मत होइए जो भी है आपका स्टेटस सही हो जाएगा तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही खूब खूब पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जुड़े चेहरे से जय जय जै भारत